विक्रम हियर। अशोक बोल रहा हूँ बम्बई से। काम हो गया विक्रम। माल हमारे हाथ आ गया है। वो कंप्यूटर कार्ड भी मेरे पास ही है। पैसे? पैसे पहुँच जाएंगे विक्रम, जरूर पहुँच जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, 20-25 दिनों में सारे पैसे लंदन पहुँच जाएंगे। We have done it, विक्रम। 1,000 करोड़। फोन पे नहीं। जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। दुनिया का मोल लगाऊंगा मैं। हाउ मच? 1,000 करोड़। सारे करेंसी नोट्स नासिक सिक्योरिटी प्रेस में अभी अभी प्रिंट हुए थे। साधन रीजन को भेजा था ट्रेन में, रास्ते में लूट लिया। हाउ कैन दिस हैपन? व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी? सिक्योरिटी तो थी, इनफैक्ट बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और ब्लास्ट प्रूफ सेफ में थे वो पैसे। एक कोडेड कंप्यूटर कार्ड ही खोल सकता है उस सेफ को। वो कंप्यूटर कार्ड तो सही सलामत है ना? नो सर, वो भी गया। ओह गॉड, क्या उन नोटों को रद्द नहीं किया जा सकता? आरबीआई गवर्नर के साइन है उन नोटों पर, उन्हें यूं ही रद्द करना नामुमकिन है। संविधान भी तो कोई चीज है, हल्ला मच जाएगा देश में। अब हम क्या करें? ये बात बाहर आ गई तो क्या होगा मैं सोच भी नहीं सकता। पिता माँ खून पी जाएंगे। पिता में कौन है और कौन प्राइम मिनिस्टर? 10 दिन में सेंट्रल बजट है, अभी से भी डिफिसिट में डालना होगा मुझे। नो, आई वॉन्ट टू रिकवर इट इमीडिएटली। हु इज योर बेस्ट मैन इन सीबीआई? लक्ष्मी नारायण। गेट हिम। सत्यानाश, ना हम ट्रेन पकड़ पाएंगे ना ही रामेश्वरम पहुंच पाएंगे। अशुभ बातें मत करो सीता, और भी 3 मिनट बाकी है। सुना नहीं, सीटी बच गई है। ना मैं मंदिर जाकर पूजा कर पाऊंगी, ना ही मैं माँ बन पाऊंगी। डिलीवरी के लिए थोड़ी जा रहे हैं। मुंह बंद करो अपना, ये मोटापा घटाना है तो जरा तेज दौड़ो। अरे मेरी पीटी उषा, वेट 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 करूंगी तो गाड़ी छूट जाएगी जी। वो वाला वेट नहीं, मेरा वेट 120 किलो। देखो तो प्लेटफॉर्म हिल रहा है। इस यात्री को मैं कहां तलाश करूं? मुझसे नहीं होता रे जान। थम निकल रहा है डार्लिंग। निकलने दो डार्लिंग, हार्ट अटैक हो जाएगा रानी। दवा पिला दूंगी राजा। यात्री यात्री सीता। श्री रामचंद्र प्रभु, 12 साल बाद छुट्टी मिली है। हे भगवान, फिल्मी क्लाइमेक्स जैसा हो गया ना। बस विलन की कमी है। ओ राव साहब, अभी क्या रामेश्वरम जा रहे हैं? वर्मा जी ने आपको फौरन बुलाया। छुट्टी पर हूँ, फैमिली टेम्पल में बच्चा। एमरजेंसी, फाइनेंस मिनिस्टर आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। 11 बजे की आपकी फ्लाइट। आई एम सॉरी सीता लक्ष्मी, एमरजेंसी। 1,000 करोड़ यानी एक के बाद कितने शून्य? 10, 100, 1,000, 10,000। पूरे 10 शून्य। फाइनेंस मिनिस्टर हूँ तो इतना तो जानना चाहिए। लक्ष्मी नारायणन, पार्लियामेंट की बैठक 10 दिन में होने वाली है, उससे पहले उन पैसों का पता लगाना होगा। कैन यू डू इट? 1,000 करोड़, 10 शून्य और 10 दिन। 1 शून्य के लिए 1 दिन दे रहे हैं, मुश्किल तो है लेकिन वी कैन डू इट सर। गुड, स्टार्ट स्ट्रेट अवे मिस्टर वर्मा। थैंक यू सर। सारे एयरपोर्ट्स हार्ड बॉयज चेक करने होंगे। सारे स्टेट्स के आईजी से बात करनी होगी। इंडिया का रोड मैप चाहिए। एंड देन नासिक सिक्योरिटी प्रेस, वेस्टर्न रेलवे अथॉरिटीज सबको क्वेश्चन करना होगा। आई हैव टू मीट द एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट एंड फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज द केमिकल यूज्ड। उसके बाद ट्रंकल करके मेरी पत्नी सीता से बात करनी होगी, वो गाली देगी, चुपचाप सुनना होगा। मुझे सुनना होगा। यस सर। विजय सर, चोरी हुए कितनी देर हुई? 12 घंटे हुए सर। नासिक, 12 घंटों में वो 1,000 करोड़ रुपए देश के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं।
हरिओम। हाय राम, पैसे गहने सब कुछ साफ कर दिया तिजोरी से, मैं लूट गया। चोर चोर अरे सुना बद्री, क्या है? मक्खन लाल के घर में चोरी हो गई। तेरे मुंह में घी शक्कर। काका, ओ खबर सुनी? अरे मक्खन लाल के घर चोरी हो गई। सचमुच? हाँ, चोर रुपए पैसों के साथ हमारे कर्ज के कागजात उठा ले गए। अरे वाह, उस चोर का भला हो, उसे सुशांति मिले। सौ रुपए का छुट्टा है क्या? शांति बिटिया, वहाँ क्या हो रहा है? अरे छक्का कौन है? अरे कौन है तू? अरे पकड़ो पकड़ो चोर, ओ शांति की माँ, चोर ने शांति को धर लिया, पकड़ो पकड़ो। छोटे सरकार, आज तक मेरे घर का रास्ता भूल गए थे का? क्यों री, तेरा मर्द है घर पे? हाँ, तुम्ही तो उसको काम सौंप के पहली बस से शहर भेजा, और अब मुझसे पूछ रहे हो? तुम बड़े वो हो जी। ठीक है, चल जल्दी, कोई देख लेगा। तुम हमेशा बड़े उतावलो रहते हो। हाँ, ज्यादा नखरे मत कर, चल। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वो क्या रहा है पूछे तो, दुनिया में आजकल हर चीज में मिलावट हो रही है। पानी में भी मिलावट, पैदा होने वाले बच्चों के बाप में भी मिलावट, फिर पास वाले गांव में कोई स्वामी आया है, लोग सीधे उसके पैर पर गिरते हैं। देखा तो कौन, चंबल घाटी के मान सिंह का छोटा भाई चमन सिंह, लोगों को पता चला और दे मार, कमर टूट गई उसकी। और सुनो, बरसों से एक दूसरे के खून के प्यासे वो श्यामचंद और रामचंद है ना, वो अपनी मुन्नी बाई के कोठे में भिड़ गए। एक बोले मुझरा जारी रखो तो दूसरा बोले के बंद करो। मुन्नी बाई ने दोनों को झाड़ू से मार मार के मार। पूछ रहे हैं ये गाड़ी किसकी है? ओ काका, सुना ये क्या पूछ रहे हैं? जैसा कि मैं सड़क पर पड़ी हुई किसी की गाड़ी चुरा रहा हूँ, मैं शक्ल से गाड़ी का मालिक नहीं लगता क्या? सोच समझ के बात करो मुझसे, वरना मेरा दिमाग फिरेगा। अंदर कौन आया मालूम है? मालगुड़ी के जमींदार, मेरे मामा शेर सिंह। पहले गोली मारते फिर बात करते हैं। मामा, तुम्हें ढूंढने पुलिस आई है। मामा बाहर आओ, देखो यहाँ पुलिस आई है। पुलिस? अंदर कुछ जरूरी लेन देन हो रहा, सोचा डिस्टर्ब नहीं करूं तो ये खामखा मेरे पीछे पड़ गए। मामा अंदर क्या कर रहे हो, देरी क्यों हो रही है? पुलिस यहाँ इंतजार कर रही है, जल्दी बाहर आओ। चार कोस दूर भी अगर चोर हो तो मैं सूंघ के पता लगा लेता हूँ, तुम चोर नहीं हो सकते। हौलदार पांडू, गाड़ी वापस लो। अरे कौन है मेरी गाड़ी? चोर चोर चोर! दरवाजी, दरवाजी मेरी गाड़ी, पीछा करो। Thank you.
शंकर, गाड़ी कैसी है? देखा मेरा कमाल? बड़ी से बड़ी तिजोरी मैं 3 मिनट में खोलता हूँ। तुझे एक मामूली गाड़ी उड़ाने में इतनी देर? धक चेहरे की खाली सड़क पर जब गाड़ी को देखा, चाबी तो थी नहीं मेरे पास, फिर कार डालकर स्टार्ट कर ही रहा था, पीछे खाता मालूम कौन थे? यही पुलिस वाले तो पीछे आ रहे। साले सामने देख के चला, मरवाएगा नहीं तो। गाड़ी बेचती है हमको। अरे किशन सामने देख। चोर है साथी, याद रखना हरदम, सच कभी तुम बोल न देना, मन में रखना हरदम, तुमने मुझको चोर बनाया, तू ही सच्चा हमदम, चोरों का है पक्का रिश्ता, याद रखना हरदम हरदम, पुलिस पीछे पीछे भागे, आगे हो हम हरदम, भगम भागी आंख मिचौली, खेल है ये क्या कम, ऊपर वाला साथ हमारे, फिर हमें है क्या गम, चोरी के धंधे में साथी, जान फंसी है हरदम हरदम। बहुत मजबूर हो गए हम, बन गए चोर जब, दुख हमारे हो गए कम, बेवफा जब दिल को चुराती, क्या करेंगे फिर हम, दुनिया में सब गोलमाल है, याद रखना हरदम हरदम, खोलते कोई भी तिजोरी, मिल गए जब हम तुम, लुट भी जाए पिट भी जाए, खुश रहेंगे हरदम, कभी हो अंदर कभी हो बाहर, क्या है इसमें अंतर, मान मिले तो मौज उड़ाए, याद रखना हरदम हरदम, हम भी तुम भी चोर है साथी, याद रखना हरदम।
अशोक है। लिसन, सीबीआई स्पेशल ऑफिसर तुमसे पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। मैं यहाँ ऑफिस से बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। उनको निकले 15 मिनट हो गए, राइट टू कचहरी मिली थी। जानी लक्ष्मी नारायण सीबीआई। टेक योर सीट, यू आर अंडर अरेस्ट। सीबीआई ने आपकी फाइल रीओपन की है, अब इंडिया मत आइएगा, पुलिस चौक नहीं है, यहाँ खतरा है। ठीक है। जी, इंडिया जाना है, टिकट अरेंज करो। कौन से देश ले जा रहे हो? तुम्हारे साथ और कौन है? किस करेंसी में बदलने वाले हो? आई वॉन्ट एन आंसर मैन, टेल मी। एसकेएफ 1138 क्या है? ये तुम्हारा ही लेटर है ना? तुम्हारे ब्रीफकेस से मिला। ऑफिस सर्च किया हमने तुम्हारी परमिशन के बगैर। क्या बताओ, नौकरी है ना? ये तुम्हें अरेस्ट करने के बाद तुम्हारे टेबल से ले लेटर हेड का पहला पन्ना हुआ है कि इसके ऊपर वाले पन्ने पर तुमने जो लिखा वो इस पर छिप गया, जिस पर मेरी नजर पड़ गई। एसकेएफ 1138। ये भी तुम्हारे ब्रीफकेस से मिला। कौन है ये चंद्रलेखा? चल।
मिस चंद्रलेखा जी, लक्ष्मी नारायण फ्रॉम सीबीआई। व्हाट एन ऑनर। प्रोग्राम देखा, पसंद आया या अच्छा नहीं लगा? बढ़िया, कमाल का था। क्या फुटवर्क, क्या ग्रेस था। मैंने आज शर्मा, मैं कला की नजर से बोल रहा हूँ सर। थैंक यू। तुम अशोक तेजनी को जानती हो? अच्छी तरह जानती हूँ। ही इज अ ग्रेट फैन ऑफ माइन। इनफैक्ट शादी का प्रपोजल रखा उसने। सत्यानाश। पर मैंने मना कर दिया। अच्छा किया। वो इस वक्त हमारी कस्टडी में है। अशोक, मगर क्यों? दो तीन रोज पहले नासिक के पास वेस्टर्न घाट रोड में एक चोरी हुई है। ओके, इसी सिलसिले में अशोक को कस्टडी में लिया है। अशोक को? He is just a businessman। बहुत डरपोक आदमी है वो। उसमें अगर ट्रेन में डाका डालने की हिम्मत होती तो उससे जरूर शादी कर लेती मैं। जस्ट अ मिनट। ट्रेन में डाका डालने की हिम्मत? ये चोरी ट्रेन में हुई है, किसी ने भी नहीं कहा, फिर तुम कैसे जानती हो? आपने तो नहीं कहा, मगर शर्मा जी पास खड़े अपने हाथ हिला हिला कर बोल रहे थे। शर्मा,
इट्स ओके। एसकेएफ 1138 क्या है तुम्हें मालूम है? ओके, एक कार्ड, कंप्यूटर कार्ड, कुछ इतना सा। उस पर हेलोग्राफिक में इंप्रिंट भी किया है। कभी अशोक ने वो कार्ड तुमको दिया है या उसके बारे में कोई जिक्र किया है? कंप्यूटर कार्ड नहीं, तो आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई। ओके, आपको हमारे ऑफिस आना होगा। यू मे हैव टू आइडेंटिफाई हिम। ओह यस, डेफिनेटली, एनीथिंग फॉर अशोक। रिटन स्टेटमेंट दे दूंगी। मैं एड्रेस बदलूं या फिर ऐसे ही? ओह सॉरी शर्मा। नो नो, स्टे हियर, मैं अंदर बदल लेती हूँ। दृष्टि को बंद करके ठीक से देखो। सर अशोक तेजानी। वो गई। शी इज गॉन। अंदर नहीं है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एवरीथिंग हैज बीन चेक्ड इमीडिएटली। ऑन द रन। दरोगा जी, ये क्या जुल्म हो रहा है? पिछले महीने मूलचंद के घर में चोरी हुई और उसके बाद रामचरण के घर से नकदी, गहने सब चुरा लिए चोरों ने। बिल्कुल झूठ। चुप। गहने कहाँ थे? ये बंडल मार रहा है। अब आपने मक्खन लाल जी के घर को भी साफ कर दिया। कौन कौन सा मक्खन लाल? 100 का 25 ब्याज लेने वाले मक्खन लाल के? हाँ। अरे मक्खन लाल तो अपनी जोरू को घर खर्ची देता है तो उससे भी ब्याज वसूल करता है। खामोश। दरोगा जी, आपने अगर कुछ नहीं किया तो हम पैसे वाले भी एक दिन भिखारी बन जाएंगे। ऐ सरकार, तुम पैसे वाले भी कभी भिखारी होता है? पहाड़ की तरह कमा के रखा है, उसमें से थोड़ा बहुत चीटी ने खा भी लिया तो पहाड़ को क्या फर्क पड़ता है? कौन है रे? यहाँ हम लोग पैसे लुटाकर परेशान है, तुम्हें मजाक सूझती है? जवान खींच लूंगा। लक्ष्मण सिंह, थोड़ा सब्र कर भाई, मुझे कहने दे। दरोगा जी, किसी चोर उचक्के ने अपने इलाके में तूफान मचा रखा है और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। अच्छा ये बताओ, चोरों को सही सही जगह का पता कैसे चलता है? नहीं तो। अरे ये क्या है, देश में लाखों की हेरा फेरी हो रही है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। यहाँ 200-300 रुपए क्या गुम हो गए, पंचायत बुला ली है। बिल्कुल सही कहा। वाह वाह, क्या दरोगा जी, तुम भी इनके साथ हंस रहे हो? पकड़ के अंदर डालो, पुलिस के सामने मजाक कर रहे हैं। कह तो दिया है ना मुझसे, छोड़ दीजिए। चोर जहाँ कहीं भी हो, उसे यूं पकड़ के नहीं लाया तो कहिए। शंकर, हाँ? इस भीड़ में से अमीर लोगों को कैसे पहचाने? जो उंगलियों में ज्यादा अंगूठी पहने हैं वो अमीर है, जिनके आसपास ज्यादा चमचे हैं वो अमीर है। कोठे वाले चंदा भाई जिनको देख के डोरे डाले वो अमीर है। कोठे वाले चंदा भाई यहाँ पर है? कहाँ है बता? अबे रुक। आप लोग शायद मेरे बारे में नहीं जानते, 4 कोस दूर भी अगर चोर हो तो मैं सूंघ के पता लगा लेता हूँ। क्यों हवलदार पांडू? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात, कोई मुझे इतना बता दे कि आज रात वो किसके घर पे ढाका डालेगा? लक्ष्मण सिंह के घर। मैं देख के आता हूँ, पकड़ो।
जल्दी आ, बहुत भारी है ये नमक की बोरी। चमकर, ये तो शोर मचा रही है, इसका क्या करें बोल। हाथ पैर बांध के छोड़ दे, तिजोरी खोल दी है मैंने। पुष्पावती, ये आवाज कैसी? चमकर, फांसी वाली का क्या करें? मैंने उसका मुंह तो बंद कर। अरे चोर चोर, चिल्लाओ मत, चल। चोर के बच्चों, मेरे गहने चुरा रहे हो? मुंह में मिट्टी पड़े, तोड़ दूंगी, दोनों के पैर को तोड़ दूंगी मैं। फिर उम्र भर लगड़ते ही चोरी करोगे? देखो मेरी बात, चाको पास नहीं आना, इसे तो बचाना ही नहीं चाहिए था, अभी बोल रहा है। देखो मेरे मामा ने 15 बलवानों को पाल रखा है, मैं एक आवाज दूं बस दोनों की पसली बराबर हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चिल्लाओ तो मत मेरी बहना। बहना कौन मेरी? तेरी बहना? चोर चक्के कहेंगे मेरे हाथ में करवट मिले तो दोनों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगी। ए मुन्ना, कोई आवाज सुनाई दी? उठ रहे मामा जी। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी मालिक। अरे यहाँ खड़ा लुड़का पड़ा है, ऊपर ये रस्सी कैसी? तुम्हारे लिए बस एक रास्ता है, मुझे भी साथ ले जाना होगा। थोड़े बेच के सोओगे तो आवाज कहाँ से सुनाई देगी? ठीक है, चोरी कमाल मुझे दोगे, एक दिन का भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं दूंगा, हमें कानून सिखाने चलिए। हाँ, वो भी चोरों को? यहाँ कोई भी तो नहीं मालिक। अरे सामान सब तितर बितर पड़ा है, मैंने आवाज सुनी और कहता है यहाँ कोई भी नहीं। ठीक है, इसमें ज्यादा मैं ले लूंगी, सारे गहने मेरे हैं, ये मत भूलो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। ठीक है, क्या ठीक है, वो भी आधा चलेगा। ऊपर जाके देखना, घर के पीछे वाले फाटक पर इंतजार करना, हम वहीं मिलेंगे। कौन है वहाँ? कोई नहीं मामा जी, मैं हूँ गजरी, मैं तो चूहे को भगा रही थी। ओ तू है, सोचा कोई चोर घुसाया घर में। अच्छा अच्छा जाके सो जा, सुना नहीं जा। ए तू कहाँ चला, इधर आ। उसे दान न कर दे, चल उसे वहीं खड़ा रहने दे। चार सौ बीसों, मैं जानती थी तुम दोनों मुझे धोखा दोगे, मेरे गहने लेकर मुझे यहीं छोड़कर भाग रहे थे। मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए तो बोटी बोटी काट डालूंगी मैं। ए, नीचे कौन है? ए मुन्ना, कलुआ। आ, मर गए मामा जी, देखिए। वहाँ कोई है, जाके पकड़ो रे, जाओ रे। जाओ रे, जाओ रे, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उसके हाथ पैर तोड़ के यहाँ ले आओ, जाओ। Oh, my God!
माल वाला थैला है या छोड़ दिया? तेरे की किशन को क्या समझा, देख गले में लटका के रखा है पहना के कहनों को। बदमाशो, तुम भी भरोसा करने से फांसी अच्छी थी। तुम दोनों का सत्यानाश हो, माटी मिले कीड़े पड़े तुमको। पीछे देखो, पीछे पीछे। आसमान से गिरे खजूर में अटके। हे भगवान, मेरी ये कैसे हालत बना दी तूने? मुझसे इन दो कमीनों के पैर पकड़वा दिए। हाथों बेचारी को अकेले छोड़कर दोनों अंदर घुस गए। बैग में क्या है? चोरी का माल? बाप रे, क्या वेट है? ये क्या है मालूम है? अगर मैं इसे खींच तो क्या होगा पता है? जानता हूँ, लेकिन मत खींचना। क्यों? तुम्हारी मदद करने से मुझे क्या फायदा है? बहुत पुण्य मिलेगा। तुम क्या दोगे? जो चाहोगी वो देंगे। ए, इसमें से आधा तो उस चुड़ैल को देना। जो भी मांगू। हाँ। ये पटरियां दौड़ रही हैं, मेरा सर चकरा रहा है। भगवान राम जी, घी के दिए जलाऊंगी, रेल रोक दो। राम जी, राम जी, राम जी। चेन को छुआ भी नहीं, फिर कैसे? कोई जादू टोना है? भगवान, तूने सुन ली? सारे कंपार्टमेंट तलाश करो, कम ऑन क्विक। यहां से निकलना मुझे, मुंह उधर ही रखो। इतनी पुलिस वाले तुम्हें ढूंढने आए? ये पुलिस नहीं, सीबीआई है। अरे बाप रे बाप, चक्कर इसने तो हमें भी मरवा दिया। इतने लोग पीछे पड़े, ये तो बड़ी पहुंची हुई चीज लगती है। यहां से जाना है मुझे, और तुम मुझे यहां से ले जाओगे। हम क्यों ले जाएं तुमको? तुम्हारी मदद करने से हमको क्या फायदा? इससे भी ज्यादा पैसे। इससे भी ज्यादा पैसे? मुझे बीच रास्ते में छोड़ के दूसरी का हाथ पकड़ के भाग रहे हो? ए सुनो, वही है वो। गो, जाओ। चोर कहीं के, अपनी जान दिखा देना। तुम्हारे ससुराल वाले तीन तीन कार लेकर आए तुम्हें ले जाने के लिए। हाथों के पीछे पड़ गए एबीसी? एबीसी नहीं, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ भाई, ए सीबीआई, ये सरकार की गाड़ी तेरे बाप की नहीं है। धीरे चलाना। वो गाड़ी वाले, बोला तुम्हारी गाड़ी और तेज नहीं भागेगी? भागेगी ना, धर्रा पिलाएंगे तो भागेगी ना। किसको पिलाऊं, तुमको या घोड़े को? तेज चलाओ। अरे वो लोग पिस्तौल निकाल रहे हैं, गोली तो नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं। मेरी जान उनके लिए बहुत कीमती है। इतनी कीमती? थमाल थमाल करते हैं, उनका चुपचाप आने का बोलो, हमारा घोड़ा डर रहा है ना।
बड़े भाई हाँ, ये रास्ता सीधे कहाँ जाता है? काली घाटी तक जा। काली घाटी क्या है भैया? पहाड़ी रास्ता। पहाड़ी रास्ते के बाद मुंह के आगे कुछ नहीं, बंद। क्या कहा? के बाद मुंह का बाद पहाड़, झरना, घाटी, खाई। क्या करें अब? देखा जाएगा, भगाओ। और कंप्यूटर कार्ड हिफाजत से घर चंद्रलेखा के पास है। पैसे कहां और कैसे जा रहे हैं वो जानती है। थैंक यू विक्रम, थैंक यू फॉर कमिंग। अशोक तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। मर गया कमबख्त। क्या हो गया दोस्त? इसके हाथ फंसने वाला कभी विक्रम का दोस्त नहीं हो सकता। हजार करोड़ आसानी से नहीं मिलते, खून बहाना पड़ता है। सुना तूने? समुद्र में फेंक दो इसे। नवीन, चंद्रलेखा का पता लगा। चंद्रलेखा, चंद्रलेखा, किशन, चंद्रलेखा गायब है। साथ ही साथ पैसों का थैला भी। क्या कहा? पैसों का थैला गायब? यही तो रखा था। उसकी वजह से कोई काम नहीं बन रहा है। चल। हेलो। हेलो अशोक। चंद्रलेखा कहां से बोल रही हो? अशोक कहां है? लेखा, विक्रम, where are you calling from?
तुम कहां से बोल रहे हो लेखा? मगापट्टी टाउन इन तमिलनाडु। सीबीआई तुम्हारे पीछे। मुझे कोई नई खबर दो विक्रम। कंप्यूटर कार्ड तुम्हारे पास ही है ना लेखा? तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। ओके, लिसन टू मी। तुम एक टैक्सी करके नेहरू नगर के पास आ जाओ। वहां प्रवीण होगा पेट्रोल पंप के पास, उसके साथ आ जाओ। ओके, वहां कब पहुंचना है मुझे? 8 o'clock। ओके। हम भी चोर, तुम भी चोर, चोर से जो चोरी करे वो उल्लू का पट्टा। देखो क्या शान से लटका के घूम रही है हमारे थैले को। हाँ शंकर, मैं क्या कह रहा था, हमने अपनी जान पे खेल के इनकी जान बचाई, ये हमको ही टोपी पहना गई। भाई शहर वाले तो शहर वाले ही होते हैं, उस्तादों से उस्तादी। उस्तादी नहीं, कुछ जरूरत थी, इसे काम के लिए लेना पड़ा। मौका मिलते वापस कर देते। सा मुलायम हाथ है, इतना भारी बोझ दो ना, अच्छी बात नहीं। हाँ ये बोझ हम उठाएंगे। दे दो जी, दे दो, बोझ दो ना, हमारा काम है। हाँ फिर मिलेंगे। भागो। तो रे बदमाशो, तुम्हारी ये हिम्मत, मेरी ही आंखों के सामने एक मासूम नारी का बैग चुरा रहे हो। हमने सूंघ लिया था ना, आपने सूंघ लिया था। ला मुझे। मैडम लीजिए अपना बैग। और भी चार इंस्पेक्टर साहब जैसे होते तो हमारे देश में चोरी ही नहीं होती। शर्मिंदा कर रही है मैडम। नहीं दिल से कह रही हूँ। बजरंगबली 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 बजरंगबली। अभी तो तुम्हें चोरी के बहुत सारे सबक सीखने बाकी हैं प्यारे बच्चों। ए, हाथ बांध के बैलगाड़ी में ला दो, थाने ले चलेंगे। सुन मेरे बंधुरे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। शंकर फिकर मत कर, भगवान ने दरवाजे तो बंद कर दिए पर खिड़की खुली पड़ी है। ये देख शहर वाली का पर्स मैंने कतर लिया। अभी डूब मर, क्या होगा इसमें, मालूम नहीं चला छोड़ के उठा लाया। तू ही बोल, मैं और क्या करता, खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है। शंकर पिस्तौल उधर। रुक जा, रुक जा। अरे हवालदार पांडू, इनके पास पिस्तौल है, क्यों नहीं कहा मुझसे? मुझे क्या मालूम था। अरे तेरी तो जय बजरंग बली। अरे भैया पिस्तौल मत चलाना, गोली वोली लग जाएगी। चल हमारा पीछा मत करना, मैं तो गोली चलाऊंगा। मेरे रुपए गहने चुराकर मुझे बीच रास्ते छोड़ के चले गए। रोकने बाद तेरा कभी भला नहीं होगा। क्या हुआ किशन? अच्छा ना सो। hey, बस के अंदर जाके देख। ओ दादा किसे ढूंढ रहे हो? फांसी वाली को? देखो वहां छुपी हुई, वहां नीचे। घर से भाग निकली थी वही लड़की ना? अरे मालिक ने तुम्हें पकड़ के लाने को कहा है। अगर मैं नहीं आऊं तो क्या करोगे? घसीट के ले जाऊंगा। पकड़ ले जाओ साबत की पुड़िया को, बंद करके बहुत बड़ा ताला लगा। छोटे मालिक खुद आए, चुपचाप चलो। नहीं आऊंगी। आराम चाची। दादी मां उसे क्यों मार रहे हैं? चल चल
शंकर, ये तो मैंने बहुत बुरा किया। अरे चल अंदर। भैया उस कार का पीछा करना है। ओ ना मुश्किलियां नहीं पढ़ना ना पुत्र, चल बुलबुल खा दे अपना कमाल। भैया तेज चलाओ। बाबा जी दाएं से, दाएं तरफ से ले लो। भैया दाएं तरफ से लो, दाएं तरफ से उस तरफ। हाँ हाँ ठीक है, रुक जाओ, इधर रास्ता नहीं है, इधर रास्ता नहीं है। अपना नाम पसंद आया? मंदिर में खड़ी हूँ मैं, वरना बता देती कि मैं कौन हूँ, चोर कहीं का। हे गुस्सा थोक दे, शंकर ने मुझे सब बता दिया। असलियत जाने बिना मैंने तुझे फंसा दिया, तू तो मुझे माफ कर देगी, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेगा ना, इसलिए उससे माफी मांग के कुमकुम लाया हूँ। ले लगा ले। अरे लगा ले बहना। है? कौन है तेरी बहना? आया बहन वाला, दोबारा उसे कहा ना खून पी जाऊंगी। बहन नहीं है? नहीं। हे भगवान, बचा लिया तूने, बचा लिया। नहीं पकड़, अरे पकड़ना, बहन नहीं है ना, बच गया। चलो अच्छा हुआ, ये हुई ना बात।
चले प्रवीण। कंप्यूटर कार्ड दे दो। तुम्हारा उसे कोई मतलब नहीं। कार्ड के बिना तुम्हें ले जाने के लिए मना किया है विक्रम ने। क्यों? तुम्हारे लंदन बॉस को मुझ पे भरोसा नहीं? जल्दी दे दो बेबी, हाथ खुजला रहा है। क्या हुआ? वो दोनों चोर है। कौन? कार्ड कहाँ है? चोरी हो गया। What? तो चोरों ने चुरा लिया, मैं बोल रही हूँ ना। जल्दी जल्दी जल्दी। Stop playing games, give me the card. Who is playing games? कार्ड नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, वो चोरी हो गया है। विश्वास नहीं होता, खुद देखो। नहीं! कार्ड मिलते ही मुझे खत्म करने को कहना विक्रम ने। मेकअप का सामान। ये भी बेकार। हमारे काम का कुछ भी नहीं। शंकर, जेब से पैसे निकाल। फूटी कौड़ी नहीं है इसमें। जवान से जवान, बुढ़ों में भी जोश आ रहा है यहाँ मेले में। आखिर बात क्या है? चंदा भाई का नाच है। चंदा भाई, मैं भी देखूंगा। मैं भी चलूं क्या? सूंघ के पीछा करने वाला दरोगा। ए, तेरे हाथ में क्या है? एक तारा। उसने हमें देख लिया, फंस गए क्या? भेस बदल के नाचने वालों में घुस जाते हैं। चलो जल्दी करो, चलो। कौन? कहाँ वालोंडे? कार्ड किसने चुराया बोल। हीरो का कंगन तेरी बाहों में पहना दूं, मोती लुटा दूं मुस्कान के पीछे मैं, पलके बिछा दूं तेरे कदमों के नीचे मैं। हीरे मोती का क्या करना है रे, दौलत के पीछे मैं ना जाऊं रे। दिल भी बिछा दूं रानी एक बार तू जो बोले, जा भी लुटा दूं रानी एक बार तू जो बोले। हमें क्या मालूम, वो तो गया। उसने एक कंप्यूटर कार्ड था, कहाँ है वो? शंकर ने उसे नदी में फेंक दिया। वो मुझे चाहिए, वो ढेर सारे खजाने की चाबी जैसा है, वो उसे ढूंढ निकालो, सुंदर को लाखों रुपए मिलेंगे। लाखों रुपए? दस तेरे की, चलो। We'll be right back.
कैसे फंस गई मुश्किल में, दो है मजनू एक हूँ मैं। एक म्यान में दो तलवार, कैसे कर लूं शामिल मैं। जो है मेरी सांसों में, दिल उसको ही दूंगी मैं। रहता हूँ तेरी आंखों में, मैं भी हूँ तेरी सांसों में। समझो भी तुम, अब सोचो समझो तुम दीवानो, दिल की बातें दिल से जानो। दिल की ये बातें सारी तुम ही सिखाना हमको, राह मोहब्बत की भी तुम ही दिखाना हमको। राज कभी ना तोड़ेंगे, साथ कभी ना छोड़ेंगे, गोरी तुमने जब से दिल जीता। पायलिया की छमछम से, चूड़ियों की खनखन से, मन भी तन भी सब कुछ है जीता।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमें एक ही तो गवाह मिला था, अशोक तेजानी, अब वो भी नहीं रहा। दुश्मनों ने उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी। उसे जमानत पे छोड़ना नहीं चाहिए। हम कैसे तय है शर्मा, मगर अदालत जब हुक्म देती है कि छोड़ दो तो छोड़ना ही पड़ता है। आप सही कह रहे हैं सर। अरे रे 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 राजा बेटा रो नहीं, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा मुन्ना करे तमाशा। हाई लक्ष्मी नारायणन एसपी सीबीआई। जयराम जी की साहब जी गांव में पधारे हैं, पुलिस की पुलिस। बैठिए। ए हवालदार पांडू चाय पानी का बंदोबस्त करो। जो मेरा मुन्ना है, छीछी कर दी थी, साफ करके आ रहा हूँ। आपने इन्हें देखा है? मैं क्या हूँ? कहाँ देखा, कब देखा? मैं डीडी सी। वो कहाँ है? चंद्रलेखा अकेली है या कोई साथ में है? बोलो, जवाब दो। मिस्टर भोलेनाथ, इन्हीं की तलाश में हम आए हैं। पैसे कहाँ है? पहले तुम मुझे ये बताओ, अशोक कहाँ है? पैसे कहाँ है लेखा? अशोक कहाँ है लेखा? देखा, इस गर्दन में एक इंपॉर्टेंट नस मौजूद है, जुगलर वेन। उसे यूं छूने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे जरा दबाओ तो। मैं दबा नहीं रहा हूं उसे, अगर जरा जोर से दबाए तो। अबे ओ कुत्ते की औलाद, मर्दों को छोड़कर औरत पर बहादुरी दिखाते हो, तुझे शर्म नहीं आती? शंकर मुंह बंद कर, बड़े खतरनाक लोग लगते हैं। कुछ नहीं जी। अबे तुझे नहीं, उस टकले से कह रहा हूं। आपसे नहीं भाई, तुझी से कह रहा हूं। रस्सी खोल के एक एक करके आओ, अगर अपनी मां का दूध पिया है तो। सुनिए भाई साहब, क्यों इसे मार रहे हैं? ये तो बिल्कुल पागल है, अनजाने में ऐसा बोल रहा है, इसे माफ कर दीजिए। बांध कर मार रहे हो ना, मर दो। शंकर ऐसे ही घबराहट में बक रहा है जी, शहरी कुत्तों की यही बहादुरी है। अबे ओए रुक, मैं भी कब से देख रहा हूं बंधे हुए आदमी को मुक्के पे मुक्का लगाया जा रहा हूं। नहीं, उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें बताती हूं कि पैसे कहां हैं। पैसे एक कंटेनर लॉरी में कोचिंग जा रहे हैं, कल सुबह वो लॉरी वानपट्टी चेकपोस्ट क्रॉस करेगी। कंटेनर का नंबर क्या है? SKF 1138। ललित, इन्हें गोली मार दो। विक्रम, उन्हें मत मारो। शट अप। श्री राम जी का जुलूस आ रहा है, रास्ता छोड़ो, आओ आओ। हेलो, अरे भाई हटो, गाइस को आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए चलिए, आप भी चलिए, चलिए आओ आओ, आइए आइए आइए, आप लोग आ जाओ, फिर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। रुक जाओ, जाने दो ने। कार्ड नहीं है।
मेरी जान बख्श दो प्लीज प्लीज विक्रम। गिड़गिड़ाओ और गिड़गिड़ाओ। मैं हर हाल में कार्ड वापस ला दूंगा। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ। अरे वाह, देखा आपने, बारिश हो रही है और धूप भी निकली है। सुअर सुअरिया की शादी है, नगाड़े और ढोल बजेंगे। हाँ चलो, सुअर सुअरिया को छोड़ो, हम तुम सब शादी करेंगे। हाँ ये क्या कह रही है, अगर किसी ने सुन लिया तो? किसी ने नहीं सुना, जोर से चिल्लाओ, बोलो किशन, हम तुम सब शादी करेंगे। चिल्लाइए नहीं, आहिस्ता बोलिए। अरे आपकी कमीज भीग रही है जी। किशन तो निकाल दो, बोलो बेहोश तो नहीं होके ना? बाप रे, वन हनुमान जी, टू बजरंग बली, टू एंड हे मारुति पवन पुत्र मुझे बचा ले, थ्री एंड गो। ओहो ये क्या, पकड़िए पकड़िए जी, क्या इसे लगाइए लगाइए। हाँ अरे ऐसे नहीं, ऊपर ऊपर डालिए ना। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे बाबा ये गांव है, सहन नहीं कर पाएंगे। बदन में डालिए, बदन में डालिए जी। देखिए किसी ने देख लिया तो पंचायत बुलाएंगे, चोरी भी माफ कर देते लेकिन ऐसे घूमेंगी तो कभी माफ नहीं करेंगे। कैसे कैसे ऐसे घूमोगी तो? ओ मर गया मैं भगवान। इसे डाल के घूमिए ना, डालिए। बेटा किशन तू गया काम से, नहीं नहीं कोई देख लेगा मेरे साथ, लीजिए बस। अच्छा बस वादा करो तुम मुझसे शादी करोगे अभी पहन लेती। नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं, क्या कमी है मुझे? आप तो शहर की बात नहीं जानता, लेकिन यहाँ गांव में हम किसी को मन में बसा लेते हैं तो दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप जैसी सुंदर है तो भी नहीं। कौन है वो? वो तो जाऊं, जलता है बदन मेरा,
प्रधानमंत्री कौन है शेखर तुम बोलो। मैं नहीं जानता सर। तुम तो बुद्धू हो सूरज तुम बोलो। मैं नहीं हूँ सर। सर ये क्या है जान जाए तो लगता है हम रुपये तक पहुँच सकते हैं। क्या है SK 1138 आखिर क्या हो सकता है ये SK 1138? लारी का नंबर देश के सभी लारियों को कंप्यूटर से चेक कर लिया है। SK 1138 किसी लारी का भी नंबर नहीं है। खलास। एक कोई स्विस बैंक का नंबर नहीं लॉकर नंबर भी नहीं। लॉकर में नहीं आ सकते विजय। 1000 करोड़ यानी 1000 सूटकेस। शर्मा डोंट स्मोक प्लीज। सर मैं स्मोक करूं तो ही मेरा भेजा काम करेगा। भेजा हो तो काम करेगा ना विजय। ये 1000 करोड़ जैसे आप समझते हैं वैसा कहीं छुपा नहीं सकते। कहीं तो ले जा रहे होंगे। बस में नहीं ले जा रहे, लॉरी में नहीं, ट्रिप में भी नहीं, तो फिर इतने सारे रुपए क्या हवा में उड़ गए? वो कंटेनर सर, शिप में ले जाने वाला कंटेनर सर। इट्स पॉसिबल सर। SK 1138 तो कोई कंटेनर भी हो सकता है। उसमें 1000 करोड़ भी भर सकते हैं। देश में कहीं भी ले जा सकते हैं। लोड करके विदेश भी ले जा सकते हैं। कंग्रेचुलेशन शर्मा। थोड़ा बहुत 1138 कंटेनर जरूर कहीं ना कहीं होगा। वो जहां भी हो उसे रोका जाए और जब्त किया जाए। स्टेट के सारे चेक पोस्ट खबर कर दो। इट हैज बीन डन इमीडिएटली। कम ऑन गेट ऑन इट। अल्फा कॉलिंग ऑल स्टेशन। अल्फा कॉलिंग ऑल स्टेशन। खोल दिया ना? जा। ये रजिस्टर बुक दिखाओ। किस लिए? SK 1138 कंटेनर पास हो गया कि नहीं देख। सीधे कलेक्टर ऑफिस में जाके कलेक्टर से एक लेटर लीजिए और फिर DM साहब से एक परमिशन भी लीजिए। वहाँ से फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाइए और उनके साइन लेके यहाँ आइए। मैं दिखा दूंगा। अब जरा चलते बनेंगे, मुझे खाना खाना। नहीं जी, मैं बाल बच्चे वाला हूँ। 6 बच्चे 2 जोड़ू हैं, मुझे छोड़ दीजिए। उस पन्ने में नहीं जी। ये रहा SK 1138। कब गया? 7 बजे। किस ओर गया? दक्षिण की ओर। वो किस तरफ है? बताता हूँ, सीधे जाके दाएं तरफ मुड़ेंगे तो दक्षिण है जी। We'll be right back.
सीबीआई ऑफिसर, एसकेएफ 1138 कंटेनर। दारी दक्षिण की तरफ गई है, सीधा जाके दाएं तरफ मुड़िए तो दक्षिण है। मैं बाल बच्चे वाला हूँ, छह बच्चे तो जरूर है, मुझे कुछ बच्ची सब चले गए। सत्यानाश हो जाए उस कंटेनर लारी का। आज तो मैं और जम के पीऊंगा, और पिला दस। आज 54.50 रुपये की पी चुके हैं, पुराना बाकी 290.20 रुपये, कुल मिलाकर 344.70 रुपये। दामाद जी, कमाल का हिसाब करते हो, मेरी बेटी तुम्ही को है, मेरी बेटी की तुम्हारे साथ शादी पक्की। पहले पैसे रखिए, फिर शादी की बात। दस, अरे दस, तेरी खोपड़ी में भेजा है कि नहीं? बहुत जैसे आदमी से तू पैसे मांग रहा है, तू तो बेवकूफ है। देखिए, ये अरे तुरे की बात मुझसे मत कीजिए, तमीज से बात कीजिए। माफ कीजिएगा, आप तो बेवकूफ हैं जी। चलो पकड़िए। ये क्या है, चांटा मारता है? दीजिए, पैसा रखिए, फिर जगह खाली कीजिए। दास, तुमने ठीक किया दास, ये चांटा जरूरी था। कहाँ तक तुम सबर करोगे, हर कोई आता है पीता है खाते में लिख देता है, दिवाला तो तुम्हारा निकलेगा ना। चांटे ने आंखें खोल दी। देखो आज मैं सारा हिसाब चुकता करूंगा, वो देखो मेरी कंटेनर लॉरी, तुम्हारे पैसे देने तक तुम उसको रख लो। हाँ, ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि पूरा नोटों से भरा पड़ा है। अरे इलायची है एक्सपोर्ट, सोना है सोना, रख लो तुम अपने पास गिरवी रख लो, सब तुम्हारा है। टू बॉटल ठर्रा, माय डियर फ्रेंड, चीयर्स। आने दे, हाँ सीधा अंदर जाने दे। हाँ उठा भाई, दरवाजा ठीक से बंद कर दे। हाँ ठीक है। हमसे पहले कहीं विक्रम कंटेनर को कब्जे में ना कर ले, लेट्स गो फास्टर। हाँ कहती है करोड़ों रुपए हैं, जल्दी। सब के सब छठे हुए चोर हैं, तुम तीनों को मैं पुलिस में पकड़वा कर पूरे 15 साल तक चक्की ना पिसवाई ना, तो मुझे कभी भी हमसे नहीं चोर नहीं नाम से बुलाना। हाँ हवालदार पांडू, ए मैडम साहब चुप जाओ, अरे राजा ना पीछा करो। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ये लोग पति के लिए पकड़ लिए, तुम सीधे रास्ते जाओ, जल्दी जाओ। आप उसे कौन जा रहे हैं? दस, पास, कंटेनर, पास।
चाहे कोई मुझे शराब गए। एक तीन आठ किशन। हाँ किशन। हाँ बोल। कैप 11:38 वो पैसों का पिटारा मिल गया। पैसों का पिटारा? अजीत चंद्रलेखा, क्या यही है वो रुपये वाली गाड़ी? शंकर, शंकर को पकड़ ले, यही है पैसों का पिटारा। ये कौन है? थर्रा वाले दास ने भेजा होगा। चालाक का मीना, अभी दिखाता हूँ। अभी तक लड़ अभी मैं आ नहीं पाऊंगा सीता, क्योंकि सर ask for reinforcement, we need about 10 battalions of armed forces. Yes sir. तुमसे नहीं सीता, तुम कहो तो अगली छुट्टी में क्या? अगला जन्म नहीं बाबा, अगली छुट्टी में सीता लक्ष्मी, डाइवोर्स तो बहुत बुरी बात है, वो सब हमारे काम का नहीं। तो मुझे डाइवोर्स दोगी तो सांबर वड़ा बनके कौन खिलाएगा मुझे? और फिर तुम्हारा सिर कौन दबाएगा बोलो? क्या कहा? दूसरा ब्याह मराठी मछली वाली से? ये तो बिल्कुल असंभव है। तुम तो जानती हो मुझे मछली देख के एलर्जी हो जाती है। रो मत, रो मत, आंसू पोंछ लो, आंसू पोंछ लो प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। सर वो मोटर्स ऑफिसर आए सर। उधर है। तुम मुझे समझने की कोशिश करो सीता लक्ष्मी। अरे उधर है ना ऑपरेटर। प्लीज एक्सटेंड, एक्सटेंड प्लीज, आई वांट टू कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सर। आई एम सीइंग अ लेडी सर, शी गोइंग वेरी स्पीड इन द लॉरी सर। बोलना। भोलेनाथ हिंदी में बोलो, मैं हिंदी समझता हूँ। मैं हिंदी स्पीड में नहीं बोल सकता। अच्छा, सर, बोलो। सर उस चंद्रलेखा मैडम को देखा सर? कहाँ पे देखा? वो जो लारी है ना, SK 1138, यही नंबर है ना? हाँ वो मैडम टाइट पैंट पहन के उस कंटेनर के ऊपर बैठ के जा रही थी। मैं बाद में बात करूंगा, मैं बाद में फोन करूंगा। विजय कब? सारे रुपए पानी में। अच्छा हुआ तुम चोरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वाह क्या बात है, मेरे दिमाग की घंटी बजने लगी। पैसों को पानी से निकालेंगे। ये बकवास बंद कर। गणपति, गजेंद्र, विनायक सब मौजूद हैं इस जंगल में। चल चल शंकर। दक्षिण नहीं जी, पश्चिम। सर जरा बाहर आइए। सर दक्षिण नहीं जी, पश्चिम। आपका कंटेनर पश्चिम की तरफ गया है। सच बोल रहे हो? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ जी। दक्षिण में जाके आप परेशान ना हो जाए इसलिए 2 मील साइकिल चला के आया हूँ जी। शुक्रिया, चलता हूँ। कोई बात नहीं है जी। प्रवीण इसे बैठाओ, कंटेनर को ढूंढने में काम आएगा। कुछ मत कीजिए, छह बच्चे और दो जन वाला हूँ। सचमुच रुपयों के बंडल हैं। Ah!
शंकर, इतने सारे पैसे, इनका हम क्या करेंगे बोलो? मैं क्या करने वाला हूँ मालूम है? तुम तो बेकार घूम रहे हो, सोचा तुम्हें किसी अच्छे काम पर लगा दो, कुछ सुंदर सी छोकरी को पकड़ के अच्छा मुहूर्त निकाल के किसी फाइव स्टार होटल में सारे शहर को न्योता देकर धूमधाम से तुम्हारी शादी करा दूं। अब जा मैं। हाँ शंकर, तुम्हारा और कौन है मेरे सिवा? तुमने मेरे लिए बहुत किया, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। तू क्या करेगा? अरे समझा कर यार, तू शादी करके अपना रास्ता नापेगा तभी तो अपना नंबर लगेगा। क्यों घुमा फिरा के कह रहा है, आखिर बात क्या है? तू तो जंगली है यार, तेरे सीने में दिल नहीं पत्थर है, लेकिन मेरे सीने में तो दिल है। अब देखो मैं जवान हो गया हूँ, हर चीज पर दिल आने लगता है मेरा। किस चीज पर दिल आ गया? क्यों, ये पेड़, ये पंछी, पहाड़, झरना, ये मछली, इन सब पर दिल आ जाता है? इस दिल को कौन संभाले? कब से ये दिल खाली पड़ा है, सोच रहा हूँ इस दिल में अब किसी को बसा ही डालो। किसको? किसी लड़की को? नहीं, बुढ़िया को। कौन है वो लड़की? शंकर बोल ना किशन, वरना तेरी कमर तोड़ दूंगा। अबे बोल ना उल्लू के बाटे। अच्छा बाबा बताता हूँ, बता। इस लफड़े में नहीं पढ़ूं, लेकिन दिल आगे मानता ही नहीं। अरे बना रहा है तू? हाँ छोड़ना, मुझे शर्मा दी, तू यही रहना। मैं बताता हूँ, मेरे पास बताना। सोचूंगा तू यहाँ है ही नहीं, आंखें बंद कर लेता हूँ, कान भी बंद। हाँ बोलूँ क्या? वो है, वो है। कौन है वो लड़की जल्दी बताना? वो है कजरी। वो कजरी है ना, कजरी हाथी वाले। ओ मेम साहब, आपसे मिलने के लिए कौन आया है देखिए ना। आइए आइए साहब जी, मेम साहब यहीं पर है। मिल गया, हटाओ इसे, हटाओ, हटाओ। मेरा पैसा, मेरा पैसा। काट दो, काट दो, काट दो। मेरा पैसा लाओ, काट। मेरे रुपए। मुंह तो देखो। अरे अरे कांटों से बच गई। तू जा। अरे तेरे मुंह पे काला काला क्या लगा? जब तू साथ है तो काला तो होगा ही। क्या कहा तूने? अब तेरी वजह से मेरा मुंह काला हो गया। अच्छा शंकर इधर आ, गाड़ी जा रही है, गाड़ी ले जा रहा है, उसे पकड़ते, चल जल्दी। किशन रुको तो, मत जाओ, चोरी का पैसा हमें नहीं चाहिए, तुम दोनों ने वादा किया है। कजरी रानी, रुपयों की गड्डियां यूं लूटे जा रही हैं, बस एक बार आके बंद कर ले। दूसरों के पैसे के पीछे मत भागो, तुम्हें मेरी कसम। मेरी माँ पैसा किसे चाहिए, वहाँ देखो चंद्रलेखा, उसे भी पकड़ के ले जा रहे हैं। चंद्रलेखा कहाँ है? चुप। अब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, उसे जाके बचाओ, जल्दी करो, जल्दी जाओ उसके पास, जल्दी करो। What's happening, Praveen? क्या बात, छोले के विरोध में कितना क्या एंट्री मारी है।
गाड़ी चला रहे हो? दामाजी मेरी बेटी तुम्ही को है? कंटेनर कहाँ है? टेल मी, पैसे कहाँ है? इलायची वाली गाड़ी आ गई, वाल के ढेर में छुपा देना। हाँ भाई, गाड़ी ले लो, अरे बाएं तरफ मुड़ा ना। हाँ, जल्दी से ढक दो इसको। तुम समझते हो कि सीबीए की आंखों में धूल झोंक कर तुम लोग इन रुपयों को बाहर ले जा पाओगे? अगर ले भी गए तो इतने रुपयों का तुम करोगे क्या? पॉलिटिशियंस मंत्री सब करोड़ों की घूस खाते हैं, वो क्या करते हैं? असलियत तुम क्या जानो? तुम्हारा जो विक्रम है ना, इन पैसों का वो क्या करने वाले पता है? विदेश ले जाएगा वो, कैसे इस्तेमाल करेगा बताऊं? बम्बई में जो बम फटे थे वो अब दिल्ली में फटेंगे, फिर कलकत्ता में, फिर मद्रास में, सब जगह भारत की इकोनॉमी को ढावा ढोल करेगा, देश का तबाह कर डालेगा। I don't believe that. तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारे विक्रम की जन्म कुंडली हमारे पास है, वो दूसरा दाऊद इब्राहिम है, पैसों के लिए देश को बेच देगा। मेरी बात बेशक लिख लो, तुम्हारा ये विक्रम है ना, वो इस देश को तबाह बर्बाद करने में कामयाब नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब की बार वो बच नहीं सकता, बचने नहीं दूंगा। यस। ए फांसी वाली सुन तो। साहब। अरे अरे थोड़ा ठहर तो, तेरे लिए पूरी चवन्नी का प्रसाद चढ़ाया है, आगे बंद। भगवान से मैंने पता है क्या मांगा है? तुमने क्या मांगा ये भगवान ने मुझे थोड़ी बताया। ऐसे आदमी से तेरी शादी हो जाए जो पैदाइशी काना हो और 32 दांत मुंह से बाहर हो। अरे हट, तेरी 32 बाहर निकाल दूंगी। हाँ यार, बड़ा मन्नत मांगने वाला। देखो ना, उसने मांग में क्या किया है, दुआ मांगी है कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए। पगला क्या हो गया तुमको, इस तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ है जैसे कुछ खो गया है? जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम दूर दूर भागते हो। मुझसे ठीक बात किए कितने दिन हो गए, ऐसे मुझसे क्या भूलोगे? कचरी, सचमुच तुम मुझे चाहती हो? हे भगवान, ये कैसा सवाल है? मैं जो कहूँ तुम मानोगे? कोई शक है? सिर्फ इतना बताओ कि मानोगे या नहीं। कहो। मुझे भूल जाओ। हम सबकी भलाई इसी में है कजरी, अपने दिल से मुझे निकाल दो। तुमने क्या समझ रखा है कि औरत का मन कोई गिरगिट है जो बार बार अपना रंग बदलता है? तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? ये शतरंज का मोहरा नहीं है। तुम अगर ये नहीं समझते तो जो मुर्जी में आई करो। कजरी, कजरी, शंकर तुम्हें बुला रहा है। क्या बात है? कोई जरूरी बात करनी है, फौरन आने के लिए कहा है। चलो। शंकर, कजरी आ गई।
तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। जब से होश संभाला तब से आज तक मेरा सब कुछ तुम ही हो। मेरी खुशी के लिए तू दुनिया से लड़ा है। अब मेरी खुशी मेरी जिंदगी एक कचरी है, मुझे मेरी जिंदगी से मिला दो। जाओ। साल से मैं और कशाने के साथ रह रहा है। उसने मेरे लिए चोरी की, खून बहाया, खतरा मोल लिया। उसके बारे में जितना मैं जानता हूं उतना वो खुद नहीं जानता। किसी चीज पर उसका दिल आ जाए तो मैं जान की परवाह नहीं करता, उठाकर दे देता हूं। अब उसका मन किसी लड़की पर आया है। अपनी ही जैसी मासूम नेक दिल वाली एक लड़की को प्यार करता है। वो लड़की तुम हो कजरी। शुरू शुरू में इसका मजाक उड़ाता था, बहुत तंग किया करता था, गुंडों के हवाले भी किया। आप ना जाने क्यों, अगर इसके पैर में कांटा लगे तो दर्द मुझे होता है। मैं किस्मत वाला हूं रे, नहीं तो मुझ जैसे चोर के अंदर दर्द, एहसास, प्यार, ये सब कैसे जाग उठता। सब ऊपर वाले के खेल। तुम्हारी कसम खाता हूं दोस्त, अगर ये किशन शादी करेगा सिर्फ कचरी से। शंकर बना और क्या कहेगा, ये कहेगा कि हमारी शादी कल ही हो जाए। मेरे किशन को तुम्हें अपनाना होगा कचरी। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? तुम मुझे सचमुच चाहते हो? सचमुच? मेरी खातिर कुछ भी करोगे? बोलो, अभी करता हूं। मुझे भूल जाओ। और कुछ भी कहो, ये मुझसे नहीं होगा। मुझसे भी नहीं। क्या हुआ शंकर, ये मजाक तो नहीं कर रही? मैं यहां और नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूं। कजरी मेरी बात तो सुना। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं यहां नहीं रह सकती। तुम कौन होते हो मेरी तकदीर का फैसला करने वाले? एक बार भी मेरे दिल में झांकने की कोशिश की तुमने? कजरी रुको तो, क्यों जा रही हो? बात क्या है, मैं पसंद नहीं, कारण तो बोलो। मेरे अरमानों को मिट्टी में मिलाकर मुझसे दूर भाग रही हो? रुको तो, जिसे पूछती उस भगवान की कसम खाकर बोलो कि तुम मुझे नहीं चाहती। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, मत जाओ। आजाद भारत के इतिहास में इस गांव और आप गांव वालों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे, क्योंकि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य इस गांव के मुट्ठी में है, आप लोगों की मुट्ठी में है। सारी बात बता देता हूँ, सुनने के बाद आप सब पागलों की तरह इधर उधर नहीं भागेंगे, समझ गए? पहले वचन दीजिए कि सब एकता बनाए रखेंगे,
सरकारी माल पर लालच नहीं करेंगे। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। कुछ दिन पहले नासिक से रेलगाड़ी में ले जा रहे ढेर सारे रुपयों की चोरी हो गई। कैसे चोरी हो गई? उन रुपयों को चोर लोग जिस कंटेनर में डाल के विदेश ले जा रहे थे तब क्या हुआ? वो गुम हो गया। पूरी बात तो सुनिए। पैसों के उस पिटारे को इस इलाके में कहीं छुपा के रखा है, ऐसी हमें खबर मिली है। बोलता हूँ लेकिन कोई उठकर भागेगा नहीं। सरकार की अमानत है, करोड़ों रुपए है उसमें। अरे भाइयों सुनो, ऐसा मत कहो, वो रुपए हमारा नहीं है। हमें एकता बनाए रखनी चाहिए, तभी अपने गांव का नाम रोशन होगा। अरे हाथ आई महालक्ष्मी को मैंने छोड़ दिया। भागो मत भाइयों, मेरी बात सुनिए, सुनिए भाइयों। अब सीबीआई का काम गांव वाले करेंगे। कितने लोगों से छुपाकर इस इलाके से उस कंटेनर को साला विक्रम बाहर नहीं ले जा पाया। उकसा दिया है, अब गांव वाले कंटेनर का ढूंढ निकालेंगे। समझ लो रुपया मिल ही गए। वाह साहब जी, तो आपका ये मतलब है सीबीआई वालों के भेजने का कोई जवाब नहीं। जल्दी चला भैया, और जल्दी और तेजी से चलाओ ना। अरे कसम छोड़िए तू, पिछली बार गोली मार मार के भगाया उसे बीसी पुलिस ने, अब तो अपने आप ही उनके पास जा रही है। तू तो पकड़ा गई है। तुम नहीं जानते कैदी से जो चीज उनकी है उसे कुछ भी करके ना सौंपना चाहिए। कैदी से उनकी चीज और हमारी लाइफ की किलर। हाँ वही, अरे जल्दी भगाओ। हाँ। ये वही लड़की है। हाँ। पैसे कहाँ है? वो पैसे तेरे नहीं है ये मैं जानती हूँ। इन आदान छोड़ी है, कुछ नहीं जानत। ए, बोले पैसे कहाँ है? ए, मुझे गाँव वाली समझ के ना डरा। गंडासा लिया तो पैर काट डालूंगी मैं, फिर उम्र भर टकले और लंगड़े बन के डाके डालते रहोगे। पैसे कहाँ बताती हो या नहीं? कह दो बेटा, ये लोग खतरनाक है। मैं नहीं बताऊंगी। ए, वो दोनों लौंडे कहाँ है? काना नहीं बताऊंगी। एक छोड़ो, हम कहत है किले के पास छुपाया है उस लारी को। अरे कुछ मत बोलो, सरकार की अमानत है वो। तभी दोनों को गाड़ी के लिए चलाओ।
सारे हाईवे और रोड चेक कर लिया सर। पुलिस स्टेशन को रेड अलर्ट दे दिया है। बाइलेंस और घाट सेक्शन को भी ब्लॉक कर दें तो कंटेनर बाहर नहीं ले जा सकते। वो इन रास्तों से नहीं जाएगा। इन बातों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। मुझे बोलने दीजिए। आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प। कंटेनर कोचिन हार्बर पहुंचेगा कल सवेरे। ओशियनिक नाम के रेलिंग जहाज से बाहर भेजा जाएगा। और आखिर सड़कों भी ढूंढ रहे हैं। वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस शर्मा फॉरेन डेली कॉन्ट्रैक्ट करो। फाइनेंस मिनिस्टर से पर्सनली बात करो। बोलो कि पैसे मिल गए। वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस से रुपए बरामद किए। अगले स्टेशन पर ट्रेन को रोकने की कोशिश करो, नहीं तो अगले स्टेशन या उसके अगले स्टेशन व्हाटएवर इट इज गो अहेड ऑन द रन। लेट्स गो।
जल्दी जल्दी चलो। शादी कर ले। नहीं किशन, तू उम्र में छोटा है, उसे तू ही खुश रख सकता है, तू ही शादी कर ले। नहीं शंकर, कजरी तो तेरी हो गई, पैसे मैं ले लूंगा। नहीं नहीं, तू शादी कर ले, पैसे मैं संभाल लूंगा। नहीं नहीं, कजरी तेरी अमानत है, लो सौंप दिया, पैसा तो हाथ का मैल है, मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं, कजरी को तेरे हवाले किया, पैसे को मेरे हवाले करो। नहीं नहीं, कजरी तेरी, पैसे मेरे। अरे कहा ना, तू शादी कर ले, मुझे पैसे चाहिए। अरे लोफरो, मुझे नीलाम कर रहे हो, तुम्हें मुझसे बढ़कर पैसे चाहिए हो गए? और क्या? हाँ सच तो है। क्या कहा? भोलेनाथ, कल बजट आज रुपए मिल गए। ओह माय गॉड, बाल बाल बच गए। एक्सक्यूज मी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। थैंक यू। आज तुम्हें बार बार के जश्न मना रहा हूँ। अरे बाप, ओ भाभी वाली, मेरी प्यारी प्यारी भाभी, तुम शंकर को मारो पीटो कुछ भी करो, मुझे माफ कर दो। देखो पीछे मेरी शहर वाली मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो मेरी माँ। याद रखना हरदम, सच कभी तुम बोल न देना, मन में रखना हरदम। तुमने मुझको चोर बनाया, तू ही सच्चा हमदम। चोरों का है पक्का रिश्ता, याद रखना हरदम हरदम। पुलिस पीछे पीछे भागे, आगे हो हम हरदम। भगम भागी आंख मिचौली, खेल है ये क्या कम। ऊपर वाला साथ हमारे, फिर हमें है क्या गम। चोरी के धंधे में साथी, जान फंसी है हरदम हरदम। चोरों का है पक्का रिश्ता, याद
मिल गए जब हम तुम लुट जाए।